अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कार्यक्रम पदाधिकारी की देखिए इतनी मनोबल बढ़ गई, हाँ, जब सीएमओ से भी पत्र आया कि इनको जो है दिक्कतें हैं, टोटो चला रहे हैं, तो इन्होंने और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और 3 महीना का मानदेय रोक दिया है सर। न्यूज 18 खबर का दिखा असर, गले में बिहार सरकार का आईडी कार्ड लटका कर टोटो चलाना पड़ा महंगा। गले में आईडी कार्ड लटका कर आप टोटो चला रहे थे, डिपार्टमेंट ने आपसे 100 काउच पूछा, क्या जवाब दिया आपने? सर, बिहार सरकार का आईडी जो गले में लटका के चल रहा था, ये दिखाने के लिए कि हम जो है कोई गलत ड्राइवर नहीं है और लोगों को जो पैसेंजर हो उनको सुविधा हो और विश्वास करके बैठे, और बैठती है कोई भी महिला वगैरह आती है तो आराम से देखती है आईडी सरकारी व्यक्ति चला रहा। और इसका पॉजिटिव पहलू ये देखिए कि मैं जो बिहार सरकार का आईडी, मैं शौक से नहीं, ये मेरी मजबूरी है सर। यदि ये विभाग में जो है इतने हमारे अल्प मानदेय दिया गया है, 15 वर्ष हमने नौकरी कर ली है और 13,000 रुपया मेरा वेतन है, और अक्टूबर से सर मानदेय मेरा नहीं रुका हुआ है। यदि हम टोटो नहीं चलाते तो हम अतिरिक्त क्या हम भीख मांगेंगे? पढ़े लिखे हैं हम, हमारा बिहार सरकार बढ़ाना बिहार सरकार का काम है। बिहार सरकार मानदेय नहीं बढ़ाती है तो अतिरिक्त जो खर्च है अच्छी शिक्षा, अच्छी परवरिश, अच्छे माहौल में बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो हमको अतिरिक्त काम करना पड़ेगा सर। थके मांदे रहते हैं तो टोटो चलाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, सुबह शाम टोटो चला कर हमारे कैश के रूप में 300-500 रुपया मिल जाता है। मतलब बिहार सरकार के द्वारा जो मांदे दी जाती है आपका गुजारा नहीं हो पाता है? बिल्कुल सर, किसी का गुजारा नहीं होगा इतने महंगाई में सर। बताइए ना कि जो 100 रुपया 2 किलो दूध का दाम 100 रुपया है सर, हरी सब्जी खरीदते हैं उसमें 100 रुपया लग जाता है, तो इतने मांदे में तो हम लोग बिहार सरकार और केंद्र सरकार की योजना को अमली जामा और धरातल पर विश्व स्तर तक पहुंचा दिए हैं सर, लेकिन हमारा मानदेय इतना, ये बहुत दुख है। तो आपसे डिपार्टमेंट ने 100 काउच पूछा, आपने जवाब दिया, स्पष्टीकरण दिया? सर, मैंने जवाब पूछा, मैंने उनका जवाब दिया, क्योंकि ये आपके द्वारा सर, आपके मीडिया न्यूज 18 को पहले बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये पत्र जो है सीएमओ के द्वारा पत्र विभाग को आया था। ये विभाग की का काम है कि इतने अपमानदेय में लड़के लोग काम कर रहे हैं, समय समय पर वेतन नहीं मिलता है, 3 महीना से वेतन नहीं मिला है सर, हम कैसे गुजारा करेंगे? यदि ये टोटो नहीं रहता ना सर तो हम सुसाइड करने की नौबत आ गई थी। तो आप टोटो चलाते ही रहेंगे? बिल्कुल सर, टोटो हम सुबह शाम चलाएंगे सर। क्या नाम हुआ? शैलेंद्र कुमार, पंचायत विभाग सेवक, मनरेगा कार्यालय, के नगर प्रखंड, जिला पूर्णिया, बिहार। तो आपने सुना कि मनरेगा टोटो कर्मी जो है वो कह रहे हैं कि हमारे पेट का गुजारा जो है वो सरकारी मानदेय पर नहीं हो पाता है, जिस कारण इन्हें मजबूरी में टोटो चलाना पड़ता है। तब तक के लिए बने रहे न्यूज 18 पूर्णिया से, विक्रम झा।